तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आ गई हूँ लाइफ नर्सरी, जो कि एक बहुत छोटी सी नर्सरी है, बट यहाँ पर बहुत अमेजिंग सा कलेक्शन आया हुआ है स्पेशली इंडोर प्लांट्स का। और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है नर्सरी के, वो आपको बोर्ड पे आप देख सकते हो, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो सारे प्राइजेज हैं प्लांट्स के, वो मैं नहीं बता पाऊँगी, कुछ एक दो के मुझे पता चले हैं, क्योंकि ओनर अभी है नहीं और वर्कर जो यहाँ पर है उनको सारे के प्राइस नहीं पता है, क्योंकि ये प्लांट्स का कलेक्शन अभी कुछ टाइम पहले ही आया हुआ है। फिर भी ये जो स्थल कमल है, मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया 70 रुपीज़ का है। बाकी और जो आगे वीडियो में दिखाऊंगी उनके प्राइस इनको पता नहीं है, आप कॉन्टैक्ट करके जो नंबर्स हैं उन पर बात करके प्राइस पूछ सकते हो। यहाँ पर है गुड़हल के काफ़ी सारे प्लांट्स, तो सभी लोकल सॉइल में लगे हुए हैं। कलर सबके आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ जो खिले हुए हैं उनके ही हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सा नया कलेक्शन आया हुआ है इनका, जिसमें इंडोर प्लांट की काफ़ी बड़ी रेंज है। और इसमें आपको मिल जाएंगे कलेडियम्स, कलेडियम्स के बहुत प्रिटी शेड्स हैं, वाइट है, ग्रीन में डॉट्स है, रेड के रेड है, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं कलेडियम के। प्राइस सबका थोड़ा बहुत इसमें मेंशन है, वैसे ये संजय नर्सरी के आए हुए 200 मेंशन है, थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एग्लोनेमा मिल जाएगा, लिपस्टिक एग्लोनेमा, और ये पिंक वाले हैं, और वहाँ पर भी एग्लोनेमास। उसके अलावा बर्किन मिल जाएगा, बर्किन डॉर्स वैरायटी वाले हैं, और पेप्रोमिया है, पेप्रोमिया का भी 200 मेंशन है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, 180 अराउंड मिल जाएगा। बट प्लांट्स काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। और यहाँ पर मिल जाएगा जीजी प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सारे इसमें स्टॉक्स निकले हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिल जाएगा अरेका पाम की डॉट्स वैरायटी, इसके अलावा पीछे भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। हैंगिंग में आपको वॉन्डरिंग जू, ये वाइट वेरिएशन वाला मिल जाएगा, पीस लिलीज हैं, पीस लिली भी है, डॉर्स वैरायटी वाले पीस लिलीज है, और सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। फिर यहाँ पर फाइकस के कुछ बॉन्साइज भी रखे हुए हैं, ये सभी पुणे से आए हुए प्लांट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ऑलरेडी शेप लिए हुए प्लांट्स हैं। फिर यहाँ पर मॉन्स्टेरा है, मॉन्स्टेरा के भी काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं। यहाँ पर रबर प्लांट है, रबर प्लांट भी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्दी है। फिर यहाँ पर आप ये देख सकते हो स्टार अर्थ है, सैरट थोड़े से शायद सस्ते 90 के अराउंड है। इसके अलावा यहाँ पेप्रोमिया है, फिर कुछ और पेप्रोमिया वगैरह ऊपर रखे हुए हैं। दो वेराइटीज़ लग रही है, एक तो ये लाइट कलर के पत्ते वाला है, एक वो डार्क कलर के पत्ते वाला है। इसके अलावा एंजॉय पोथोस है, एंजॉय के अलावा एक पेप्रोमिया की वैरायटी है, एक और देखी। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो है ये सैटिन पोथोस, तो ये सैटिन पोथोस फिर से यहाँ पर स्टॉक में आ गया है। ज़्यादा प्लांट्स नहीं मुझे दिख रहे हैं, ये दो दिख रहे हैं और यहाँ पर ये दो लगे हुए हैं, तो टोटल 4 पौधे ही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुछ कैक्टस वगैरह भी हैं, ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़े बहुत ही हैं कैक्टस। फिर यहाँ पर गिनूरा भी मिल जाएगा, गिनूरा है, उसके अलावा डिस्कलर रियो प्लांट है। यहाँ पर डाइफन की कुछ वैरायटी आई हुई है, दो वैरायटीज मुझे दिख रही है, एक तो ये डाइफन की वैरायटी और एक वो आप देख सकते हो, उसके पत्ते और भी छोटे हैं, सभी पुणे से आए हुए प्लांट हैं और सबका रेट अलग अलग ही है। फिर यहाँ पर आपको फलडेंड्रोन माइकन्स देखने में मिलेगा, काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट हैं और रेट अभी पता नहीं है, क्योंकि ये कल ही आके रखे हैं शाम में, तो इनके अभी ओनर नहीं है तो रेट इसलिए नहीं पता चल पाएगा, लेकिन प्लांट्स काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं। और यहाँ पर जेट प्लांट भी लगा हुआ है हैंगिंग बास्केट में। इसके अलावा यहाँ पर फर्न्स हैं, बहुत सारे फर्न्स आपको मिलेंगे, और हैंगिंग बास्केट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, पहले तो यहाँ पर मैं बेबी सनरोज से स्टार्ट करती हूँ, बेबी सनरोज है, फिर उसके बाद पेप्रोमिया है, पेप्रोमिया,
उसके बाद यहाँ पर सीडम की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। सीडम की एक वो वेराइटी जो है वो है, उसके अलावा ये येलो फ्लावर्स वाले हैं जिनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी चल रही है। फिर यहाँ पर क्रीपिंग चार्ली है, क्रीपिंग चार्ली के अलावा एक ये वेराइटी है, ये सीडम की वेराइटी है। फिर वहाँ पर आप देख सकते हो एक और वॉन्डरिंग जू की वेराइटी रखी हुई है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है। यहाँ पर देख सकते हो एक पीलिया की वेराइटी, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत हार्डी भी होता है, ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है टैंगल्ड हार्ट है, टैंगल्ड हार्ट के भी काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं टैंगल्ड हार्ट के, और कुछ और वॉन्डरिंग जूस वगैरह रखे हुए हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉलीबैग में लगे हुए हैं, 40-50 रुपए की रेंज में है। यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी बिगोनिया देखने में मिलेगा जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और बहुत ही जल्दी इसमें बिल्कुल स्पाइडर के तरीके से ना जो है निकलते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, उनको सेपरेट करके न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैं ये सारे स्ट्रॉबेरी बिगोनिया। फिर यहाँ पर कुछ और इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, और सभी पॉटेड प्लांट्स हैं, यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर कुछ और प्लांट्स आए हुए हैं जिनका भी रिपोर्टिंग वाला काम चल रहा है, ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर एक ये मुझे मॉर्निंग ग्लोरी की वैरायटी लगी देखने में मिली, थोड़ी सी डिफरेंट ही लगी, और इसके पत्ते ना हम जो कॉमन वाले हम लोग सीड से ग्रो करते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट है, बट इसमें भी फ्लावर्स जो है पर्पल कलर के ही आते हैं। और ये भी पॉटेड प्लांट यहाँ पर मिल रहा है, प्राइस का भी पता नहीं है अगेन, क्योंकि प्लांट सभी आके रखे हैं। और यहाँ पे राखी बेल भी है, राखी बेल छोटे छोटे पॉली बैग में ये आए हुए हैं। और एक ये स्वीट पोटैटो वाइन का एक ये वैरायटी मुझे देखने मिली यहाँ पर पर्पल वाली। तो छोटे छोटे प्लांट्स हैं और ज़्यादा नहीं आए हैं, बल्क में नहीं आए हैं, लेकिन हाँ प्लांट्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पर एस्पेरेगस की दो वेराइटीज़ है, एक वो वाला है एस्पेरेगस और एक ये है एस्पेरेगस, दोनों एस्पेरेगस के प्लांट काफ़ी हेल्दी है। फिर यहाँ पर मुझे एक ये चाइनीज़ बैम्बू प्लांट देखने में मिला, ये देख सकते हो आप, ये काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है चाइनीज़ बैम्बू। यहाँ पर मुझे थाईलैंड वैरायटी की ये बोगनविला भी देखने मिली, और ये लाइट पर्पल शेड है, बहुत ही प्यारा सा शेड है, और शायद वीडियो में इतना अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा, बट ओरिजिनल में आप देखोगे तो बहुत ही प्रिटी शेड है ये, और बहुत यूनिक भी है। बेस्ट बात तो ये होती है थाईलैंड वाले की कि इसमें कांटे नहीं होते, यही एक ऐसी बोगनविला होती है जिसमें कांटे नहीं होते, और बहुत सारे बड़े बड़े से प्लांट्स हैं इसके, बट इनके रेट काफ़ी हाई लग रहे हैं, इनके जो वर्कर हैं उनके अकॉर्डिंग इनके जो प्राइस है, बड़े जो पॉलीबैग वो 1200 के हैं, खैर वो आप लोग नेगोशिएट करने पे होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इनका कलेक्शन भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।